हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस, जिस पे मैं आपको बायो के टॉपिक्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी से भी एक्सप्लेन करूँगी। अभी एग्ज़ाम होने वाला है, नीट का भी एग्ज़ाम होने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो सारा कुछ अब पॉसिबल नहीं है पढ़ना। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको हम लोग देखेंगे और एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, नीट के एग्ज़ाम्स हो उसमें भी या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसलिए एनसीईआरटी का सारा टर्म हम लोग कवर करेंगे और उसको रीड करेंगे अच्छे से। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है। तो अब सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम, जहाँ भी एंड्रो टर्म होगा दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू मेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एंड्रोशियम, ये सारे जो टर्म्स है ये एनसीईआरटी बुक से लिखे गए हैं और मैं आपको एनसीईआरटी से भी एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर को भी। सेकेंड पॉइंट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज गाइनोशियम, जहाँ कहीं भी गाइनो टर्म यूज किया जाएगा दैट इज रिलेटेड टू फीमेल। क्वेश्चन अब थर्ड है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, इट हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज फिलामेंट एंड सेकेंड इज एंथर। अब लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल स्टॉक दैट इज फिलामेंट एंड जो टिप पे टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी स्टेमन का, तो दिस लॉन्ग स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट एंड दिस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, दिस इज टर्मिनल, टिप पे होता है। अब किसी भी स्पीशीज में जो नंबर ऑफ स्टेमन है या फिर लेंथ ऑफ स्टेमन है वो वेरी करता है, दैट मीन्स इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल स्पीशीज, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, आगे है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थेका, मीन्स दे आर डाइथेकस। ये क्वेश्चन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर का जो इस बाइलोब, एंथर जो है ये बाइलोब है, यानी दो है इसमें लोब्स हैं और एक लोब में दो थेका होता है, दैट मीन्स दे आर डाइथेकस। एक एंथर में दो लोब होता है जो कि मैंने यहाँ ऐसे बनाया है और एक लोब के अंदर दो थेका होता है, दैट्स वाई दे आर बाइलोब्ड एंड डाइथेकस, बाइलोब्ड एंड डाइथेकस। आगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्पेस होता है एंथर के अंदर, जिसके बारे में जब मैं एनसीईआरटी रीड करूंगी तो और अच्छे से बताऊंगी कहाँ पे लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर सर्कुलर आउटलाइन उनका होता है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे भी हल्का हल्का सा, दिस इज स्पेस, माइक्रोस्पोरेंजियम इज स्पेस, और इसके ये सराउंडेड होता है चार वॉल से, दे आर एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम, जिसमें कि आउटर जो तीन लेयर है दैट आर एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर, दे परफॉर्म प्रोटेक्शन। ये जो इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, और जब एंथर डेहिसेंस होता है मतलब पोलन ग्रेन उससे रिलीज होता है उस टाइम एंथर के फटने में ये हेल्प करते हैं, दे आर एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर। सब ये सीक्वेंस वाइज है, सबसे बाहर में एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर और सबसे अंदर में टैपेटम होता है। टैपेटम का जो मेन फंक्शन है कि इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन डेवलप होते रहते हैं उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस। तो ये जितने भी यहाँ पे टर्म लिखे गए हैं सबसे क्वेश्चन बनते हैं,
तो ध्यान से देखेंगे सबको और याद रखेंगे, और उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी बुक से भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, इस पूरे चैप्टर को, और सारे चैप्टर का नोट्स भी आपको बना के दूंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए।